बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हुब्बुल वतनी को फरोख देने के लिए समा टीवी एक बार फिर ला रहा है मिल्ली नगमों का मुकाबला बनो पाकिस्तान की आवाज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 11 और 12 मार्च सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 0332-883-0779। आज का जो शो है ये उन सब्जियों के बारे में है जो कि हरी सब्जियां कहलाई जाती हैं जी। अच्छा, आप कड़ी पत्ते से आज हम क्या कुछ करने जा रहे हैं? मैं स्किन का बताऊंगी, बीमारी किन बीमारियों पे कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल कैसे करें, जैसे आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है। हम नहीं उतारते उस बीमारी को जिसका हम पहले इलाज नहीं उतारे। जब भी कोई मौसम की सब्जी उतर जाए, जब भी कोई फल उतर जाए, इसका मतलब बीमारियां भी। तो अब आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब कोई बीमारी आने वाली है। अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर आप चीजें छोड़ते हैं, फिर आप लोग बैठे होते हैं हमारी क्लिनिक में। तेल मैंने एक पाव कैस्टर ऑयल गरम किया, जैसे मैंने बताया कि 24 वो लेके उसको इसमें डाला, ठीक है, ये डाला, इसको ज़्यादा पकाना नहीं। अच्छा, वैसे आप घर में जो है मेथी, आंवला, सही है, मेथी और आंवला इनको कूट कर पीस कर वो इसमें डाल सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पर हरी मेथी मिल रही है ना, तो मैं हरी मेथी ले लेती हूँ, ठीक है, इससे इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। हमने 2 टेबलस्पून मेथी के पत्तों का पेस्ट लिया जी। आपके घर में मैदा होता है, 1 टेबलस्पून हमने ये लेना है और इसमें 1 टेबलस्पून हमने दही डालना है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो प्रॉपर जिम जाते हैं, तो उनके इंस्ट्रक्टर भी ये कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी से मिर्चों का जो है ना वो खात्मा जरा कम मतलब कर दें, या फिर बहुत हल्की ब्लैक पेपर लें या ग्रीन चिली का इस्तेमाल करें। और पूरी दुनिया में ग्रीन चिली का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है सिर्फ महक और फ्लेवर के लिए। कोई हम जो तुम्हारे जो जबान को जो टेस्ट लग गया ना मिर्च का, वो लाल मिर्च आपकी स्किन को भी ख़राब करती है। 1 गिलास दूध ले लें, उसमें 2 अंजीर चॉप करके डाल दें, 2 खजूर 3 खजूर चॉप करके डाल दें, अलसी का 1 टीस्पून डाल दें। ये ड्रिंक बनाकर रोज़ाना चाहें तो रात में या नाश्ते के 1 घंटे बाद, दिन में 1 दफ़ा पीना है, आप सुबह पीना चाहें या रात में, ये आपके वेट को भी बढ़ाता है और बहुत सारी एनर्जी भी देता है। ये यूवी लाइट है, ये देखिए ये ब्लू रंग की, जिससे बहुत जल्दी आपकी जो एक्नी अंदर दबी रहती है और आप खींच खींच के पार्लर में निकालती हैं, जिससे आपके खड्डे पड़ जाते हैं, इससे खुद ब खुद ये पॉप आउट कर जाती है। मगर ये लाइट आपको मेंटेन करनी पड़ती है एक सर्टन उस पर, अगर आप खुद घर में करेंगे तो स्किन जल जाती है, ठीक है। हुब्बुल वतनी को फरोख देने के लिए समा टीवी एक बार फिर ला रहा है मिल्ली नगमों का मुकाबला बनो पाकिस्तान की आवाज। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 11 और 12 मार्च सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 0332-883-0779। अस्सलाम वालेकुम। And a very good morning. कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तो आप लोग अच्छे हैं, अभी आप थोड़ी देर बाद आप लोग बेहतरीन, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जनाब, क्योंकि जो आज की हमारी गेस्ट हैं ये बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं। आप साथ मेरे हारमोनियम तो देख ही रही हैं, और आप थोड़ा बहुत जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त थोड़ा बहुत आइडिया लगाना शुरू करें कि आज मेरा कौन गेस्ट होगा। और सबसे बड़ा जो हिंट आपको जो मैं देना चाहती हूँ, ये जो मेरी आवाज़ के साथ साथ पीछे आपको बैकग्राउंड में गाना चल रहा है ना, एक म्यूजिक आ रहा है, सुना है ना ये, ला 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 ला। मुझे कॉल करें वैसे और मुझे बताएं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिनके जो आज हमारी गेस्ट हैं भाई, अगर इनके हिस्से मजाक की बात की जाए तो जिंदगी से भरपूर हैं, ये भरपूर हैं जिंदगी से। और इनका यही जो जो इनकी विवेशनेस है, ये इनकी सिंगिंग में, इनकी गज़लों में खुल के सामने आता है। नाम वो कहते हैं ना कि नाम इनका ऐसे कि लगेगा कि छोटी है, पहचाना भाई? हाँ,
नाम से ना ये छोटी छोटी लगती है लेकिन बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह से कारनामे इनके बहुत बड़े हैं। सो आप लोग जान ही गए होंगे जी कि मैं किसकी बात करी। कॉलर साथ आगे मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है जी? मैं मिसेज आसिफ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए जी। मिसाज बख़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत बड़ा नाम आ रहा है आपके शो में, मुन्नी बेगम आ रही है। ओ वाओ, कैसे गेस कर लिया भैया आपने? बस देखें, हिंट आसान थे। हम लोगों की इतना पहचान है वो पाकिस्तान की, इतना बड़ा नाम है, हम कैसे उनको भूल सकते हैं? ओ बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये सिर्फ हमारे लिए तो हमें लगता है ना कि जो लोग बड़े लोग होते हैं पता नहीं उनका मिजाज कैसा होता होगा, पता नहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना वो होते हों और सख्ती से बात ना करते हों, तो आज हम उनकी एक तरह से शख्सियत भी आप लोगों के सामने रखेंगे। वो कितनी अच्छी, वो कितनी फ्रेंडली और कितनी उनके लहजे में और बात करने में शफकत है। लेकिन उससे पहले एक और कॉल मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रही है? मदिया, मैं कमर बात कर रही हूँ। आप इतनी प्यारी कि मैं ज़्यादा आप बोलती ना मैं सुनती रहूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू सो मच। इतना तो मेरी मम्मी का दिल नहीं करता कि मैं इतना बोलूं। नहीं नहीं, वाकई आप यकीन माने मैं समा देखती हूँ ना, मैं बेजा तारीफ नहीं करी। हालांकि मैं आपकी तारीफ नहीं करूँ, पूरी दुनिया ये समझ ले कि पूरा जो हमारा पाकिस्तान है वो आपकी तारीफ करे। थैंक यू। प्यारी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, इलाही सामान में रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। और जनाब आप कुछ गेस कर पाई हैं? अभी तो खैर मेरे नाम ले लिया लेकिन आप गेस कर पाई हैं कि कौन है हमारे साथ जो आज? तो जनाब जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे हमारी बहुत ही प्यारी और अपनी मुन्नी बेगम को। कैसी आप? आपा ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आइए जी बैठिए। इतनी प्यारी लग रही है। और ये लिपस्टिक का कलर जो आप पे खिल के आया है, मैंने तो लगाने की जसारत ही नहीं की। गो कि मेरे दुपट्टे में एक पट्टी थी पर मैंने कहा नहीं, मेरे पे अच्छी नहीं लगेगी जितनी आप पे आज। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, आपकी साहब जो कलर है बहुत खूबसूरत। बस मैंने आपा यही सुनना चाहती थी, मुझे पहले बता दिया मैं और भी बहुत कुछ सुना देती। कैसी आपा? मजाक कर, ठीक ठाक है आपा? सबसे पहले तो हम जरा आपसे गिला कर लें कि प्यार हम लोग आपसे ज्यादा करते हैं, आप इतनी दूर हमसे अमेरिका शिकागो में रहती हैं, क्यों? मैं लॉन्ग डिस्टेंस प्यार करती हूँ ना आप लोगों से। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है हमारा। प्यार में भी बहुत करती हूँ अपने पाकिस्तान से, अपने पाकिस्तानियों से, सबसे। यानी पाकिस्तानी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और यही वजह है कि हम आपा की गज़लें और आपा की जो नज़में ना किसी न किसी तरीके से छेड़छाड़ के उनको रिमिक्स करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपा की जो जो आपा ने गाई है उनको तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आप कितने अरसे के लिए आप आई हैं पाकिस्तान? मैं अभी 2 महीने के लिए आई हूँ। मेरा यहाँ प्रोग्राम था तो वो प्रोग्राम सब करके फिर इंशाल्लाह वापस। फिर आप वापस इंशाल्लाह वापस? सही। अच्छा यहाँ पे आपा जब आप आती हैं तो यहाँ पे आपका अपना घर है, यहाँ पे कौन? हम तो सारे आपके अपने हैं ही लेकिन आप हमें देखती भी नहीं है मुड़ के, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत मुड़ के देखती हूँ। अच्छा, मैं सबको देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो फिर हर चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने दिन के ज़माने के बाद आई। मैं बहुत मिस करती हूँ अमेरिका में पाकिस्तान को। ये ना कि वो जो आपको अपना देश, अपना शहर जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे लोग प्यार करते हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल तो यकीन मिस करते हैं। अच्छा मैं जी जो भी जितने मेरे कॉलर्स देख रहे हैं तो जनाब आज कॉल कीजिए मुन्नी बेगम से, मुन्नी आपस से आपका जो सवाल हो आप लोग कर सकते हैं, अपनी फरमाइश जो है वो भी सामने रख सकते हैं। कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले चले, अभी कॉल ड्रॉप होगी, चले कोई बात नहीं। अच्छा कॉल करते हुए प्लीज़ याद रखिएगा कि अपने टीवी की जो आवाज़ है वो थोड़ी आपने आहिस्ता रखनी है। और अब आपसे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो नादरा से मुन्नी बेगम का सफ़र ये कैसा था, क्या जहन में आया आपके? क्योंकि माशाल्लाह आपको देखे तो लगता है कि आप तो एक्टिंग में भी जाती तो ओहो हो हो मैदान आप मार लेती। इसलिए नहीं गई। नादरा और मुन्नी बेगम में बस ज़्यादा फासला नहीं है। स्कूल में मैं जब पढ़ती थी ढाके में शाहीन स्कूल में, तो वहाँ पे इस पाकिस्तान एजुकेशन वीक मनाया जाता था जिस पे मैंने एक दफ़ा हिस्सा लिया।
उस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी, 7-8 साल की थी, तो उस पे 3 चीज़ों में मैंने हिस्सा लिया था, एक बंगाली गाना और एक नात और एक गज़ल पे, तो वो तीनों पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मेरे स्कूल को जो चैम्पियन ट्रॉफी होता है, जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्राइज़ वाले जो होते, तो मेरे वजह से मेरे स्कूल को मिला था। तो स्कूल के जब प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे अब्बा से बुला के कहा कि इतनी छोटी सी है, मुन्नी सी है, इसका नाम आपने नादारा रखा हुआ है, इसको मुन्नी बुलाया कीजिए। तो उस वक्त से मेरा नाम मुन्नी बेगम ही पड़ गया, वरना नादरा बेगम था ना, नादरा। तो अभी भी आपको सब मुन्नी ही, कोई ना कोई नादरा के नाम से सब बुलाते, मेरा नवासा नवासे भी मुझे मुन्नी बुलाता है। और जो आपके हम सफर थे वो आपको किस नाम से बुलाते? वो मुझे मुन्नो बुलाते थे। अच्छा, वो मुन्नो बुलाते थे और अब ये मुन्नो मुझे मेरी बहू बुलाती है। जब बहुत प्यार में आती है तो बोले मुन्नो चलिए बाहर चलते हैं, मेरी मुन्नो माँ चलेंगी मेरे साथ, मैं उसके साथ फिर घूमती हूँ। बहुत अच्छी है मेरी बहू, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप चलें, आपके प्रिंसिपल ने भी तारीफ कर दी और उसके बाद फादर, घर में किसी को एक्सेप्टेबिलिटी थी, किसी को मसला तो नहीं था? मेरी अम्मा बहुत बहुत परेशान रही थी काफ़ी दिनों तक, कहती थी कि सैयद की बेटी है, तुम गाना इसको सिखा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो अब्बा कहते थे कि उनको, क्योंकि बीमार हो गए थे बहुत, डॉक्टर ने उनसे कहा था कि 3 महीने तक आपके पास वक्त है। तो हम लोग मजाक मजाक में करते थे, अभी बात करते थे, कहते थे कि डॉक्टर ने तो अब्बा को जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा अब्बा पक्का था, कभी उसको जवाब नहीं दिया। तो अब्बा ने फिर मतलब कहा कि ये टीचर बन जाएगी म्यूज़िक की और ये सिखाएगी, गाने के लिए नहीं सिखाया था मुझे कि मैं मतलब सिंगर बनूंगी, टीचर बनाने के लिए सिखाया था। तो बहरहाल, तो किस्मत को जो मंजूर होता वही होता है, मैं यहाँ आ गई। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा मैंने मेहनत शुरू कर दिया, रेडियो पाकिस्तान जाने लगी, वहाँ सब ने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत मदद किया। फिर मैं कैसेट के दुनिया में, मैं अनवर मकसूद साहब के वजह से आ गई, तो फिर दुनिया मेरा बदल गया। अच्छा, आप क्योंकि वो बांग्लादेश से जवाब नहीं आई, तो लहजे के लिए वैसे आपको कितना काम करना पड़ा, जैसे कि उर्दू में, क्योंकि आपने गज़लें भी इतनी ज़बरदस्त, और लहजे में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ज़्यादा काम करना पड़ा? तलफ़ुज़ की अदायगी के लिए अब्बा ने मेरे साथ बहुत वो किया और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ की अदायगी बहुत ज़रूरी है और सही अल्फाज बोलना, जैसे नवाजिश जी, बहुत से लोग नहीं बोल सकते, नवाजिश बोल देते हैं, नवाजिश को, ये सब चीज़ें मुझे सिखाते थे अब्बा। दश्त, कफस, ये सब चीज़ें जो है ना, क्योंकि अब मैं पहले लिखती थी उसको इंग्लिश में लिखती थी, रोमन इंग्लिश में लिखती थी, फिर मैंने उर्दू पढ़ाई करके उसको उर्दू में लिखना शुरू किया, तो अब बहुत सही है, मेरा उर्दू ठीक हो गया। अब तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि गज़ल में तो आपा सारी गेम ही इसकी है ना, तलफ़्फ़ुज़ की, अदायगी की, अदायगी की, सही तलफ़्फ़ुज़ और उसकी अदायगी, ताकि अगले को समझ जाए कि अब आप क्या कहने वाली हैं। अच्छा, कॉलर साथ है हमारे, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बदिया, आप ठीक ठाक? जी मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही हैं? मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से, आपकी रेगुलर कॉलर। जी बिल्कुल आमना, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है जी। आज आपका शो बहुत अच्छा है और मेरी बहुत ही फेवरेट आई हैं, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, मुनियापा से। जी जी सर। और माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, और आज मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो आपका एक है ना, आवारगी में हद से गुजरे जाना चाहिए, ये आप मुझे जरूर सुनाइएगा। जरूर। और दूसरा, आपके हुसन का राज भी थोड़ा सा बता दे मुनियापा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इतनी ग्रेसफुल हैं, इतनी ग्रेसफुल हैं, बता नहीं सकती क्या क्या वजह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने आपकी कॉल का, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? गजाला बात कर रही हूँ कराची से। जी गजाला जी, क्या पूछना चाहेंगी? कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ आज मुन्नी बेगम को देख के, सारे चैनल स्टॉप करके मैं यहीं बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरे बचपन से मतलब मैं इनकी फैन हूँ, मेरे हस्बैंड भी फैन है, और मैं चाहूँगी कि इस 30 तारीख को मेरी शादी की 21st एनिवर्सरी है, तो मुन्नी बेगम कोई गजल मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह गजाला जी, बिल्कुल आप शो देखते रहें, और मुन्नी जी, आप जो मुन्नी बेगम है, मुन्नी आपा हैं हमारी बहुत ही प्यारी, आपके लिए जरूर आपको वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट करेंगी। नेक्स्ट कॉलर जल्दी से ले लेती हूँ, फिर मैं अपनी बातें भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रही है? मैं शमीला बात कर रही हूँ कराची से। जी शमीला जी, आज देखा हमारे समा का समा कैसा है?
आपको एक बात बताऊंगी, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अरे वाह, आप ये समझे कि आज हमें वाकई फख्र है पाकिस्तान, हम तो ये बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत मेहरबान। शमीला, कोई आप स्पेशली कुछ सुनना चाहे अपनी फरमाइश बता दें। चले अच्छा, नेक्स्ट कॉल भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सरवत जहां बफरजोन से बात कर रही हूँ। जी सरवत जी, जी मुझे मुन्नी बेगम से बात करनी है और इनसे बात करनी है मुझे। जी जी, जी बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे अब्बू आपके बहुत बड़े फैन थे, हम आपके आर्ट काउंसिल में कॉन्सर्ट में गए थे, आप बिल्कुल वैसी हैं, बहुत प्यार से मिली थी, हमारी आपके साथ पिक्चर भी है और जो है मेरी और मेरे अब्बू की और अब्बू की आपकी तमाम कैसेट हमारे पास ही, मेरी फरमाइश पूरी कर दे मैम। अच्छा जी, एक बार मुस्कुरा दो। जी जरूर इंशाल्लाह, आपका हर शो देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले चले ठीक है ठीक है, ब्रेक के बाद फरमाइश लेंगे। थैंक यू सो मच सरवत आपका। सरवत ने माशाल्लाह कोई स्पीड में बात की है और सरवत ने कैसे पहले कि मेरा फोन बंद करें, मैं मुन्नी आपस से पूरी बातें कर लूं, बातें मेरी और आपा की रह न जाए, आपस से भी बड़ी बातें करनी है। स्पेशली मैं पूछूंगी कि आपा के हुस्न का राज क्या है और एक आपा की जरा घर की बात मैं भी आपको बताऊंगी, वो क्या है वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, मैंने आपा थ्रू आउट आपकी हम जो गजलें सुने, जो नज्में सुने, वो डिफरेंट हैं बाकी सबके चुनाव से, आपकी उससे पता चलता है थोड़ी सी आप लिबरल हैं, थोड़ी सी ना जैसे आपकी झूम शराबी, झूम झूम बराबर झूम शराबी और ऐसी बहुत सारी। सो आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कैसे, कहाँ से आपने इंस्पिरेशन ऐसी ली? ये असल में जब मैं 1971 में यहाँ पे आई थी तो मैं रेडियो पाकिस्तान गई, वहाँ पे एक साहब होते थे जब दुनिया में नहीं है, मंजू जमाल, तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम है आ जाइए, उन्होंने मेरा नाम सुना हुआ था कि बंगाल से आई हुई है और गज़लें गाती है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ पे प्रोग्राम है? कहने का वहाँ वहाँ है। मैंने कहा फ़नकार कौन है? कहने कोई नहीं, मेहंदी हसन है और इकबाल बानो है। मैंने कहा मेहंदी हसन इकबाल बानो उनके सामने मैं गाऊँगी? मैं नहीं जाऊँगी। मैं नहीं गई, दो तीन प्रोग्राम इसी तरीके से मैंने छोड़ दिया उनके खौफ से कि उनके सामने मैं क्या गाऊँगी। तो फिर मेरी बड़ी बहन ने कहा कि अगर ऐसा बड़ा बड़ा नाम इनके सामने लीजिएगा तो कभी भी नहीं जाएगी। कहने का अच्छा, हमको फिर धोखे से बुलाया मैंने, कहने का प्रोग्राम आ जाइए। मैंने कहा कौन है? कहने का कोई नहीं, बस ऐसी है रजिया है समिया है ये लोग हैं। मैंने कहा इन लोग के सामने तो मैं आराम से गा लूँगी। जब प्रोग्राम करने के लिए गई वहाँ पे मैं बैठी, उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर आवाज़ आया उल्फत की नई मंजिल को चला, पता चला इकबाल बानो साहिबा गा रही थी। अब मैं परेशान घबरा गई, मैंने कहा मैं इनके सामने कैसे गाऊंगी, इतने बड़े बड़े फनकार के सामने मैं तो नहीं गा सकती हूँ। तो मैंने फिर उसे गिला किया, मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं इतने बड़े फनकारों के सामने गा नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए, इंटरवल में चार पाँच लोग बैठे हुए होंगे, आप उनके सामने सुना के चले जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई, मैं आँख बंद की और आँख बंद करके मैंने गाना गज़ल शुरू किया। जैसे मतलब गज़ल ख़त्म हुआ तो क्लैपिंग पे मैंने आँख खोला, क्योंकि क्लैपिंग चार पांच की नहीं थी। जब आँख खोल के मैंने देखा तो देखा जितने लोग बाहर गए थे सब वापस आ गए। फिर उस प्रोग्राम पे उन्होंने मुझे 3 घंटे सुने। अरे और मैं 3 घंटा गाई। अरे वाह। तो उस प्रोग्राम में सबसे जो उन लोगों को हैरानगी थी वो ये थे कि फर्स्ट टाइम कि कोई, उस वक्त मैं लड़की थी कि हारमोनियम बजा के गा रही थी, हारमोनियम बजा रही थी मैं। ये बहुत हाँ, कम देखा है, बहुत नहीं देखा कि जितनी भी बड़ी सिंगर्स भी गुजरी हैं वो खुद हारमोनियम लेके नहीं बैठी। अब तो मुझे हारमोनियम बजाने में इतना ज़्यादा महारत है कि शायद आंखें बंद करके भी आराम से। हाँ हाँ, जैसे मैं अब देखती हूँ जैसे गाती हूँ। तो मैं अब हारमोनियम की तरफ देखती हूँ। जबरदस्त। अरे मेरे जो ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा जो उस्ताद थे उन्होंने दो चीज़ें सिखाई थी कि एक हारमोनियम बजाना सीख लो ताकि तुम्हें इसकी मोहताजी कभी ना रहे, और एक जितनी भी गज़लें उसको ज़ुबानी याद रखना। हाँ, ये गज़लें आप, मैं आपको बताऊँ ये गज़लें जो ज़ुबानी याद रखने के लिए जो आपा करती हैं वो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आपा की माशा काफ़ी बारोब शख्सियत है और आपा को देख के लगता है कि आपा से बात करेंगे तो आपा डांटेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं है जनाब। इतनी इनका शीरी लहजा है और तबीयत भी इनकी इतनी शीरी है, और आपको पता है ये खाती क्या बड़े शौक से, इमेजिन
नीम के पत्ते, उसकी जो भुजिया है। ये मैं पूछूंगी इनसे कि क्यों, लेकिन कॉलर काफी देर से वेट करे, वो कह रहे हमारी बात क्यों नहीं करवा रही। मदिया सलाम अलैकुम जी। वर्तमान जी फॉर बात कर रहा हूँ मैं हमारी से। जी जी सर, क्या क्या फरमाइश करना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे आज? तो मुनी आप हमारे साथ हैं। पहले तो मैडम को ये बताना चाहूंगा कि आप वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हैं मेरे, अपना वाले साहब 2008 में डेथ हो गई थी। आप कुछ छोटे छोटे थे तो वो सिर्फ एक ही चीज का सुनते थे, मुनी साहबा, और हम उनको कहते थे हम बड़े होते कि जनाब आपकी ना आवाज, आप लोगों को समझ आ रही है? अच्छा, मुझे और मुनी आपा को आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही थोड़ा। अच्छा, वो कह रही उनकी वालिदा की आप फेवरेट सिंगर थी, वालिदा सॉरी वालिद की फेवरेट सिंगर थी, उनका इंतकाल हो गया 2008 में। सो चलें, थैंक यू सो मच, आपकी इतनी मोहब्बत की आपने कॉल की। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? नदीम बात कर रहा हूँ जिला लगिया से। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मुनी सर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। काफी दिनों से नहीं आई थी तो एक गजल सुननी थी। कौन सी? आय हाय भाई, दोबारा कॉल करें। लगिया से आपने कॉल की थी और आपने नज़म बताना भूल गए। नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं बुशरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बुशरा जी, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और मुन्नी बेगम से मैं बात करना चाहूंगी, स्पेशली मैंने उनके लिए कॉल की। जरूर जरूर बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? एक तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह आपकी जो रोज सेटिंग है और आपका ओवरऑल जो ड्रेस वगैरह है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और मैं स्पेशली आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर की आप बहुत ज्यादा फेवरेट रही हैं और वो बहुत ही ज्यादा शौक से सुनते हैं आपको, और अब भी स्टिल यू आर द फेवरेट ऑफ माई फादर। और अभी तक हम मतलब कभी हो हमें अब्बू को स्पेशल या कोई सरप्राइज देना हो, मेरे हस्बैंड ने भी एक दिन दिया कि उनको स्पेशल बुलाया, गाड़ी में बिठाया और बस लॉन्ग ड्राइव पे ले गए और फिर उनको जो है वो सुनाई आपकी गजलें रास्ते में। गजलें सुनाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो वो स्पेशली ने आपकी बहुत सारे गाने जो है वो इकट्ठे किए और उसके बाद जो है वो उन्होंने अब्बू को सरप्राइज दिया और सुना, और अब्बू बड़े मतलब फ्रेश हुए और बड़े खुश हुए। थैंक यू। तो ये कि बहुत बहुत अच्छी आपकी कलेक्शन है और आई विश के आप कुछ सुनाएं, और आई होप कि मेरे फादर देख रहे होंगे जरूर अपने घर में, बिकॉज आई एम मैरिड तो मैं अपने घर से कर रही हूँ कॉल। अच्छा। और अगर उन्होंने ना देखा हुआ तो ऑब्वियसली मैं इंटरनेट पे जरूर उनको दिखाऊंगी। और अभी ये कि उनको वैसे कॉल करके कहा था तो आई विश कि आप उनके लिए जरूर कोई गाना गाएं और वो देखें। डन है जी, आप बल्कि आपके फादर को डेडिकेट भी करेंगे, जल्दी से अब्बा को कॉल करके बताइए कि वो शो देखें, अगर हो सके तो अब्बा से कहें कि अब्बा कॉल भी कर लें, तो फिर अब्बा जो फरमाइश करेंगे फिर हम सुना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल बुशरा, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। आपको भी जनाब, कौन बात कर रही है? मैं माजबीन किरण बात कर रही हूँ कराची से। जी माजबीन, क्या कहना चाहेंगे आज तो मुन्नी बेगम हमारे साथ है। तो मुन्नी बेगम आई है और फर्स्टली मेरी कॉल भी फर्स्ट टाइम आपसे मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुन्नी बेगम बहुत फेवरेट है हमारी फैमिली की। बहुत शुक्रिया। तो उनसे बात हो सकती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आंटी आप? बिल्कुल ठीक है बेटा। आंटी आपकी जो है ना एक बार मुस्कुरा दो गजल आप सुना देंगी? बिल्कुल सुना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा और आप शो देखती रहेंगी, फिर हम आपको गजल भी सुनाएंगे। बहुत प्यार से, तो थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं राम चेतानी बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी से। जी जी सर जी, मैं एक बार इस्लामाबाद घूमने गया था तो वहाँ पे मैंने FM पे मैम की गजल सुनी थी, एक बार सुना दो। तो उसी दिन से मैं मैम को बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं जब भी कहीं भी बाहर जाता हूँ मोस्टली एक बार सुना दो जरूर सुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनाएंगे? आपको जरूर जरूर सुनाएंगे जनाब, जरूर सुनाएंगे हम गजल जो है एक बार मुस्कुरा दो आपको जरूर सुनाएंगे। तो शो आप जरा जो है वो देखते रहें, हम आपको जरूर सुनाएंगे। अच्छा, क्योंकि आपस से फरमाइश, अच्छा आप मुझे ये बताएं ये जो खाने पीने में लाइक लोगों को कुछ पसंद होता है, कुछ पसंद होता है सब्जी, आपको नीम के पत्ते पसंद हैं,
ये मेरा जो खुराक जो मैं खाती हूँ ज़्यादातर मैं ब्राउन राइस, मेरी छोटी बहन जो रानी है वो मेरे लिए बनाती है, और मछली दाल और कोई एक सब्जी, उस पर कभी नीम का पत्ता होता है, कभी करेला होता है, कभी कुछ। ये मतलब मेरा खुराक में ज़्यादातर शामिल है। मैं गोश्त बहुत कम खाती हूँ, मछली दाल चावल, और चावल भी उबले हुए, ब्राउन राइस। अच्छा ब्राउन राइस, हाँ। तो अच्छा, ये आप खुद ज़्यादा बनाने की शौकीन हैं? खुद बहुत, मैं खुद भी बहुत अच्छा बनाती हूँ और मेरी बहनें भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो सब जो माशाल्लाह 6 बहन 1 भाई हैं, तो बहनें जब भी आती हैं तो मेरे लिए मेरा पसंद का खाना बना बना के लेके आती हैं, और मैं बहुत खुश होती हूँ, खाती हूँ सब। अच्छा आप, हम आपको जब देखते हैं तो हम हमेशा से आपको मुस्कुराता हुआ देखते हैं, हम बड़ी ग्लैमरस आपा को देखते हैं, हम जब आपा गा रही होती है तो हमें मज़ा आ रहा था आपा को देख के। नौजवान नस्ल आपसे बड़ा कनेक्ट करती है हर, ये बड़ी तरह से, क्योंकि जो जनरेशन का कहीं गैप होता है ना, तो आप में वो फील नहीं होता। अच्छा हमें तो ये लग रहा होता है कि बहुत बहुत अच्छी सब पिक्चर अच्छी है, ने आपा के पीछे कोई ऐसी स्ट्रगल देखी हो कि जैसे लोग हमें देख रहे हैं कि यार ज़िंदगी जैसे हमारे सामने अच्छी अच्छी गुजर गई, ऐसे ही सब अच्छा अच्छा था? नहीं, ज़िंदगी इतना आसान तो मैंने नहीं गुजारा है, क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत थी, और बहुत कहते हैं ना, एक समंदर को पार करके मैं आई हूँ, और बहरहाल जो गुज़र गया वो गुज़र गया, बहुत अच्छा गुज़रा वो भी। लेकिन एक चीज़ का अफसोस हमेशा रहा कि मेरे माँ बाप बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, मैं वो खिदमत उनका नहीं कर सकी जितना मुझे करना चाहिए था, एक खलिश रहता है मेरे दिल में। और सबसे अच्छी बात मेरे जो मैं महसूस करती हूँ कि हम 6 बहन और 1 भाई में बे इंतहा प्यार है, मेरे भांजे भांजियाँ बे इंतहा मुझे प्यार करते हैं, सबके लिए मतलब पता नहीं मुझे सब हाथों हाथ रखते हैं, भांजा सब भी, भांजियाँ भी और बहनें बहुत प्यार करती हैं, तो ये इनका वो प्यार मोहब्बत है जो मेरे चेहरे पे आ जाता है। तो मैं महसूस करती हूँ कि नहीं, मेरे चाहने वाले मेरे घर पे भी हैं और दुनिया के कोने कोने में भी हैं, जहाँ उर्दू गज़लें सुनी जाती हैं वो लोग भी बहुत प्यार करते हैं। अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं इंसान जब इंसान एक अच्छे मकाम पे पहुंच जाता है, तो हमें तो वही वाली जैसे मेरी बात करी थी, लेकिन दरमियान में बड़ी मुश्किल से आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, जैसे घर वालों की सपोर्ट, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स नहीं थे, और यकीनन तो आप जब पेरेंट्स नहीं थे तो फिर बिल्कुल सिनेरियो सारा तब्दील हो जाता है। पहले तो होता ना कि माँ बाप सर पर हैं तो चलो जो अचीव करना है कर लो, लेकिन जब ना हो, पता है सर पर वो वाली छत नहीं है माँ बाप वाली, तो फिर तो वो फिर आपने तब कैसे नहीं, मेरे मेरे जो गजलें सुनने वाले ये मेरे छत हैं ना, दुआओं की वाह वाह, ये लोग मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, मुझे बहुत पता चलता है, मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं, खातून भी बोलती हैं कि सब मेरे लिए दुआएं करती हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं बगैर छत के नहीं हूँ, मेरा छत है मेरे पास। ये मेरे फैन आप, शादी शुदा ज़िंदगी जो है वो आपकी कैसे गुजरी? शादी से पहले लाइफ कैसे थी? उसमें तो ऑब्वियसली थोड़ी जिम्मेदारियाँ, माशाल्लाह से आप लोग इतने 6 बहनें और 1 भाई आपका, और आप तीसरे नंबर पे थी। सो आपके थोड़ा रोब था आपा बहन भाइयों पे? अभी भी हाँ, सब बहनों पे, मतलब सब बहनें मुझसे ज़्यादा से डरती हैं, जो बड़ी हैं वो भी डरती हैं, जो छोटी हैं वो भी डरती हैं, मेरा भांजा सब भी बहुत डरता है, क्या मतलब एहतराम करता है। मेरी बड़ी बहन का जो बेटा बेटी हैं वो लोग बे इंतहा प्यार करते हैं, छोटी बहन के बच्चे सब बहुत प्यार करते हैं, और सब मुझे बुलाते हैं मुन्नू, हाँ सब। और एक मेरा भांजा है फिरोज़, वो मुझे बुलाता है मुन्नी अब्बू, हाँ मुझे मुन्नी अब्बू बुलाता है। अच्छा तो ये अब्बू का क्या इस पे? बस पता नहीं क्यों कहता है कि बस ये मेरी बाप है, ये अब्बा है मेरी, बहुत प्यार करता है मुझसे। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सब आपा सभी आपा से बहुत ही प्यार करते हैं। और एक भांजा मेरा परछाई है, उसका नाम है शुमैल, उसको तो असगर मिर्ज़ा बुलाते हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करता है, साथ साथ होता है मेरे परछाई की तरह। औलाद तो होता है, औलाद का तो शायद अलग एक मुकाम होता है, बच्चे सब मेरे बहुत प्यार करते हैं। मेरा बेटा पहले अमेरिका में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे एक दिन वो आया, रास्ते से फ़ोन किया कि अम्मा मैं मेरे लिए खाना गर्म कर दीजिए, तो मैंने कहा तुम गर्म कर लो, मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है। वो आया, आके मेरे पास बैठा, 11:10 बज रहा था, और जाके दवा वाला आके मुझे देके और मेरे पैर के पास ही वैसे ही वो लेटा रह गया सुबह तक। तो मैंने देखा वो सो रहा है, मैंने कहा तुम जाके कमरे में नहीं सोए? बोले नहीं, आपका तबीयत नहीं ठीक था। तो मेरा बिल्कुल जाने को दिल नहीं चाह रहा था कमरे पे। फिर मैंने अपने बच्चे को बहुत प्यार किया, असर तो इतना भी ऐसा भी करते हैं बच्चे। मेरी बेटियों को मैं कभी कोई तकलीफ हो मैं जल्दी बताती नहीं हूँ, क्योंकि घबराते हुए गाड़ी चला के आती है तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं गाड़ी मार ना दें, तो इसलिए मैं बेटा बेटी कभी किसी को नहीं बोलती। कभी बहुत तकलीफ हो तो मैं बस ये कहती हूँ कहाँ हो, कहते उधर, मैंने कहा अगर आ सकते हो तो आ जाओ, मुझे कुछ चीज़ चाहिए।
जब वो आते फिर मुझे मैं उनको बताती हूँ। जैसे एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट गया था उंगली, बहुत बुरा। अच्छा, तो मैंने बेटे को हुआ था ये तकरीबन 3 साल पहले, 3 साल तो मैंने अपने बेटे को बताया नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने कहा गाड़ी चला रही थी क्या हुआ था? नहीं, ये घर पे हो गया था। अच्छा, घर पे। अच्छा, तो फिर बेटा आया तो मैंने उसको दिखाया, फौरन डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी में लेके जाओ, इस पे टाके वाके लगेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ डिस्टर्ब करना है। फिर डॉक्टर पट्टी करके कहा कि हाथ ऐसे ऊँचा करके रखिएगा, मैं ऊँचा करके रखी, तो 3 दिन तक उससे ब्लीडिंग होती रही, उसके बाद फिर ठीक हो गया। हाय हाय। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो नादरा थी आपकी, वो तो पीछे रहेगी, और वो जो मुन्नी है तो मुन्नी ही आगे चल पड़ी है, मुन्नी से ही सारी दुनिया की मुलाकात है, तो आप कभी इस नादरा को मिस करती हैं? नादरा मेरे साथ होती है हमेशा हमेशा। कभी कभी मैं बहुत बच्चों जैसे हरकत करती हूँ, वो नादरा होती है कि अपनी बहनों को नखरा दिखाना, अपने भांजों को दिखाना, फिर अब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना, तो वो मुन्नी बेगम नहीं होती है, वो शायद नादरा है। कहीं ना कहीं से मेरा बचपन मेरे पास आ जाता है। हेलो, वालेकुम सलाम। आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दें। अच्छा जनाब, ये ले। हाय, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। कौन बात कर रही है? सबसे पहले तो समा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुन्नी बेगम को यहाँ पे हमारे सामने लाया, और बड़ी खुशी हुई। उनका हर गाना, हर गजल, हर चीज हमें इनकी पसंद है। आज इनको देख के हमारे दिल में भी ये ख्याल आया कि माशाल्लाह अभी हम गए गुजरे नहीं। अरे भाई, मुन्नी बेगम को देख के दिल खुश हो गया। थैंक यू, थैंक यू। वैसे गए गुजरे से क्या मुराद है आपकी, मुझे ये बताया ना जरा। जी, मैंने कहा ये गए गुजरे से आपकी क्या मुराद है? यानी कि मैं अपने खुद को कह रही हूँ। अरे क्यों क्यों कह रही है खुद को? अभी तो मैं जवान हूँ। ये तो वैसे भी वुमेन्स वीक का मना रहे हैं, तो आज हमने सोचा था कि आज हम फ्राइडे को आपकी मुलाकात एक ऐसे इंस्पिरेशन से करवाएंगे कि जो ख्वाब को ख्वातीन होने भी आपको लगेगा कि नहीं, हम हर मार्का मार सकते हैं। तो मुन्नी बेगम से बड़ी और ऐसी कौन शख्सियत हो? अच्छा, मैं बहुत दुआओं के साथ अल्लाह ताला इनको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, और खुदा इनको किसी का मोहताज ना करे, खुदा इनको सेहत वाली जिंदगी दे, और आगे भी अल्लाह ताला इनके अच्छे इंतजाम करे, और दुनिया में भी इनको सुकून मिले। इलाही आमीन, इलाही आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी। आबाद रहे इंशाल्लाह सेहत के साथ। इलाही आमीन। और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कौसर है, कराची से बोल रही हूँ। जी कौसर, क्या कहना चाहिए? मुझे मुन्नी बेगम से बात करनी है। जी जी बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा चल रही है, आपसे बात नहीं हो पा रही, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और दूसरी बात ये कि मेरी खाला जो मेरी सास भी है यहाँ बैठी है, वो कह रही है कि तुम्हारी खालू बहुत शौक से सुन रहे थे इनकी गजलें। अच्छा। तो कह रही है मिलाओ, और यकीन करें आपको देख के वो रो रही है। थैंक यू। नहीं बोले कि नहीं रोए, बस खाला से बात करा देना। खाला को फोन दे, फौरन खाला को फोन दे, खाला से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओए सच, खैरियत से हैं आप? जी, मेरे शौहर एक वहाँ 71 में, वहाँ मशरकी पाकिस्तान में। अच्छा। वहाँ फौजी कैंटोनमेंट में शायद आप गए थी क्या? बहुत गजलें सुनते थे। सही सही। तो उनका तो खैर इंतकाल हो गया, मगर अब आपको देखते ही हमको वो सीन याद आ गया। चलिए, अब अल्लाह आपको अच्छा रखे बस। हाँ, वो आपके गजलें बहुत सुनते थे जाके मुशायरे में, बहुत बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। चले चले, बस अल्लाह की मर्जी यही थी, इस पे बस इसी पे भरोसा कीजिए कि जो जिसने भी आना है उसको सबको जाना है, हम लोग सबको एक दिन चले जाना है। बेशक बेशक, कोई आगे कोई पीछे, सिर्फ लाइन की फर्क है और आगे पीछे की फर्क है। चले कौसर की खाला अपना बहुत ख्याल रखें, और प्लीज आपने रोना नहीं है। हाँ, बहुत सेंसिटिव है। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई जी। और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय, क्योंकि हमने इतनी देर से होल्ड कराया था। चलिए जी, और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक शफीक बात कर रहा हूँ। जी जी शकील भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देख रहे हैं आज मुन्नी बेगम हमारी मेहमान है। जी बहन, मुन्नी बेगम आप आज आई हुई हैं। जी जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने टीवी पे कॉल किया और मुझे काफी खुशी हुई है कि काफी टाइम बाद मैंने मुन्नी आपा को देखा। मुन्नी आपा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से? आप लोग सब काइंडली कभी कभी पाकिस्तान आया कि ये और इसी तरह प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लोगों को डेडिकेट कीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का। और आप देखें लोग कितना प्यार करते हैं।
कि लोग आपको देखते हैं और लोगों को बचपन की आपको देख के यादें ताजा हो जाती हैं। अच्छा अजीब सा पता है क्या, कुछ अरसे पहले तकरीबन 2 साल पहले मुझे टंडो बागो बुलाया गया, अमेरिका से बुलाया उन लोगों ने। अच्छा टंडो बागो में हमारे टंडो बागो में क्या हुआ ये हम आपस से पूछेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद एक बार मुस्कुरा दो, ब्रेक के बाद मिलेंगे जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हमारे साथ शो में हैं फ़ख्रे पाकिस्तान, और क्योंकि वुमेंस वीक का एंड वैसे तो पूरा साल हमारा ख़वातीन का है, लेकिन जो स्पेशली हमारे सेलिब्रेशन का ख़वातीन का जो ये वीक था, ये आज फ्राइडे अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, और आज हमने सोचा कि जितनी भी ख़वातीन हमें देख रही हैं उनको मुन्नी बेगम से बड़ा गिफ्ट हम और कोई नहीं दे सकते। सो आज हमारे साथ यहाँ पर मुन्नी आपा हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं, कोई आप दिल की बात करना चाहें, जैसे अभी कौसर का फ़ोन आया था और कौसर की खाला जो कि कौसर की सास भी है, वो आप दीदा होगी तो बात करते हुए, तो आप लोग भी कॉल कीजिए और अपनी मोहब्बत का जो मैसेज है वो आप बता दें। और मुन्नी आपा, अच्छा आपा मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे आपको देख के, जब आप गज़ल गा रही थी तो मुझे आपको आपसे प्यार हो गया है मज़ीद, तो जब आप माशाल्लाह से जब पहले आप गाती होंगे तो बड़े लोग आपको रिश्ते शादी के बाद भी आते होंगे मेरे ख्याल से, ये लोग बड़े फ़ैन ऑब्वियसली जिनकी भी ज़्यादा सुन रहे वो ये कह रहे हैं मेरे अब्बू बड़े फ़ैन हैं, वो उनका मूड ठीक हो जाता है लॉन्ग ड्राइव पे। ये तो गुजरी हुई बातें हैं सारी, लेकिन उस ज़माने में जो हम लोगों का जो दौर था ना 78-76, मेरे ख्याल में शायद बहुत मासूम सा दौर था, तो वो दौर का बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ इतने लोगों में हिम्मत नहीं होती थी कि आपसे इजहार मोहब्बत भी कर सकें। जिससे मेरी शादी हुई थी, मेरे प्यार की शादी थी, उसको ज़माना लगा था बोलते हुए। अच्छा। कि मुझे शादी करना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। शर्मीले थे वो, पता नहीं शर्मीले थे या घुन्ने थे लेकिन बहरहाल इतना हिम्मत नहीं होता था। अच्छा अब तो होता है सबको, अब तो मैं देखती हूँ कि लोग अब बड़े आराम से कह देते हैं आप मुझसे नहीं मतलब पीछे। हाँ कि अच्छा, तो यानी कि फिर उन्होंने रिश्ता किसे भिजवाया था और जानती थी आप तो कैसे उनको जानती थी? एक PMA का प्रोग्राम हो रहा था पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का, वो 1975 की बात है, तो वहाँ वो उस वक्त पढ़ रहे थे डॉक्टर, और मैं वहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम करने के लिए गई थी, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो उस मुलाकात को आगे बढ़ाते बढ़ाते 4 साल गुजर गया, फिर 1980 में मेरी उनके साथ शादी हुई। तो उनके माँ बाप भी मुझे बहुत पसंद करते थे, तो पूरी फैमिली, और मेरे माँ बाप भी बहुत उसको प्यार करते हैं। अरे लेकिन एक बड़े मज़े की आप बातें करें, टंडू बागू की भी ज़रा आपने स्टोरी सुनी कि हाँ टंडू बागू का चक्कर ये था कि 2 साल पहले अमेरिका में मेरे पास फ़ोन आया, तो कहने लगे कि मैं टंडू बागू से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कराची आए। तो मैंने कहा उस पर तो बहुत खर्च हो जाएगा क्योंकि प्लेन का किराया वराया सब। कहते नहीं आप फिक्र नहीं कीजिए, तो हमारे पाकिस्तानी हिंदू बरादरी वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उस प्रोग्राम पे गई, तो वहाँ कम से कम 1000 के करीब लोग थे, और वो लोग जो थे वो 18 से लेके 30-32 साल के थे या 35 साल के थे। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये इतना सारा ये जवान बच्चे नौजवान बच्चे ये गज़लें क्या सुनेंगे। तो जब मैं गाने के लिए बैठी तो वो जो पर्चे आने मेरे सामने शुरू हुए मैं हैरान हो गई। तो फिर मैंने जिसने मुझे फ़ोन किया था मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि ये कैसे ये लोग मेरी गज़लें क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, मतलब मुझे बुलाया इतने दूर से, तो यहाँ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट माशाल्लाह से हैं और आप अंदरूनी सिंध में रहते हैं तो इनको गज़लें कैसे पसंद हैं। कहने गए कि बाजी बात दरअसल ये है कि जब हम लोग छोटे से बच्चे थे तो मैं अपने बाबा के साथ जब स्कूल जाता था तो बाबा आपका कैसेट लगा के सुनते थे, तो हम लोगों ने मिलके उन यादों को ताज़ा किया आपको बुलाया। अच्छा आपा, आपकी क्योंकि अपनी पसंद की शादी थी, जहाँ बोला प्यार की शादी, तो क्या आपने बच्चों को भी इनकरेज किया, बेटे वगैरह जो आपकी थी उनकी? नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटी को 2005 या 2006 में यहाँ ला के उनके लिए लड़का देखा और मैंने उनसे पूछा कि ये मैंने तुम्हारे लिए देखा है तुम देख लो। कहती नहीं जो आपने जब देख लिया तो ठीक है, आपका पसंद ठीक है, उन्होंने शादी किया। बेटे के लिए मैं 2015 में मैं हज करने के लिए गई, वहाँ मुझे एक बहुत प्यारी सी लड़की नज़र आई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने अल्लाह से दुआ किया, मैंने कहा अल्लाह अगर ये मेरी बेटे को खुश रखेगी और मेरा बेटा इसको खुश रखेगा
कि इस लड़की को मेरी बहू बना दीजिए। तो तवाफ करके जब मैं बाहर आई तो वो लड़की आई मेरे पास, कहने का मुझे पता था कि आप आई हुई तो आपके साथ सेल्फी खींचना है। अच्छा, तो मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा तुम्हारी शादी हो गई? कहने का नहीं। मैंने कहा अम्मा कहाँ है? कहने का वहाँ। मैंने कहा बुला उनको भी बुला। फिर मैंने उसकी माँ से कहा, मैंने कहा देखो ये मेरा बेटा है और अगर तुम चाहो तो मेरी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर सकती हूँ, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वहीं का सिटीजन है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप हमको नंबर दे दीजिए, मैं कल फ़ोन करूँगी आपको। तो लड़की का नाम है महक। महक, तो महक की अम्मी ने कहा कि वो अपने हस्बैंड से बात करके फिर मुझे कॉल करेंगे। तो दूसरे दिन उनके हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि बाजी मेरी लड़की आज से आपकी हुई। ओहो, मैंने कहा भाई पहले आप मेरे बेटे को तो देखो। बोले मुझे कुछ नहीं देखा है, बस आप हैं, खत्म बात, मेरी बेटी आज से आपकी हुई। आज से आपकी। अच्छा, ये आपका ये भी किस्सा सुनने में आया कि एक बार आपकी बेटी ने आपको अमेरिका बुलाया था किसी को दिखाने के लिए? मैं अमेरिका में रह रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा शादी कर देना चाहती हूँ, कोई पसंद है क्या? कहने का एक पसंद तो नहीं है लेकिन अच्छी लगती है, देख लीजिए। तो वो मुझे गाड़ी में लेकर जाने लगा, तो थोड़े दूर गई तो देखा एक लड़की छोटा सा जरा कपड़ा पहन के खड़ी हुई थी। तो मैंने, मुझे नहीं पता था कि वो है, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा है कितनी गंदी लड़की खड़ी ऐसा लिबास पहन के, मेरा बेटा गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगाता हुआ। तो मैंने कहा लड़की कहाँ है? कहने का शायद वो आई नहीं, बाद में दिखाएंगे। फिर दूसरे दिन मुझे मेरी बेटे ने बताया कि जिसको गंदी कहा था वही थी। जो मैंने ये जो खाना काबा में जिस लड़की को देखे मैंने पसंद किया, तो मैं अपने लड़के से मैंने बताया उसको, फोटो तस्वीर भेजा, तो वो जाहिर है वो सारा पहनी हुई थी। हाँ, तो मेरे बेटे ने कहा कि ये कौन है? मैंने कहा तुम्हारे लिए मैंने देखा है। कहने के ठीक है, तो मैं इससे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा नहीं। कहने का अच्छा, मैं एक नज़र देख तू, वो लोग तो मुझे देख लें, ऐसा नहीं कि बाद में उनको महसूस हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम आ जाओ। फिर वो आया, उसने लड़की को देखा, लड़की ने उसको देखा। तो मैंने उनके अब्बा से कहा, उनके अब्बा ने कहा कि सब चीज़ का आपका ज़रूरत ही नहीं था, मैंने तो आपको कह दिया कि मेरी बेटी आपकी है। तो आपने कहा मेरे बेटे को दे। हाँ, बेटा तो नहीं, मेरा बेटा भी नहीं देखना चाह रहा था। मेरा बेटा कहता है कि नहीं अम्मा ने पसंद किया तो यकीनन, बहुत देखा, तस्वीर देखा था, बहुत प्यारी से लड़की। लेकिन बड़ी बात है आपा कि अमेरिका में रहते हुए कि स्पेशली कि इतनी अच्छी, वो मैं बहुत खुश नसीब माओ में से हूँ कि जिनके बच्चे उनकी माँ के कहने पर शादी किया, उन माओ में से। माशाल्लाह। कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मदिया बात कर रही। मदिया आप हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मुन्नी बेगम तो मेरी इतनी फेवरेट है, इतनी कि बस मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा खुश हूँ मैं। फर्स्ट टाइम गोल्ड मिली है, बस मेरी इसकी ख्वाहिश है कि मुझे इनका नंबर मिल जाए। इनकी हर गजल मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। थैंक यू। मैं आपको नंबर, मुझे इनका नंबर मिल जाए, मैं इनके साथ बस एक अपनी तस्वीर बनाना चाहती हूँ, जो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है मेरी। अच्छा, जरूर इंशाल्लाह। मैं आपको, आप बात के बाद फोन कीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगी। अच्छा बात सुने, आप क्या कराची में रहती है? आए हाय, चले कराची में रहती है तो आ जाए ना। हाँ। अभी टाइम है, आपकी हो जाएगी पिक्चर। नेक्स्ट कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सलीम शाह बोल रहा हूँ अमेरिका से। जी जी सलीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मुन्नी आपा का बहुत, हम लोग बहुत फैन है जब हम छोटे छोटे होते थे, और खासतौर मेरी वाइफ तो बिल्कुल इन पे ना बहुत फिदा है, और हम रहते भी टेक्सास में है, और ये मैं सर शिकागो में रहती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अभी तो मैं देख, मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है कि माशाल्लाह जैसे मैं कुशूर में देखा था, आज भी वही की वही है। अल्लाह इनको सलामती से रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे इंशाल्लाह। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल तांता बना हुआ कॉल का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं इरम बात कर रही हूँ जन से। जी इरम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम है, बहुत बहुत अच्छे। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन मांद पड़ गई हूँ मैं आज, पीली पड़ गई हूँ एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जी नहीं। अच्छा आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ मुन्नी बेगम को देखकर। एक अरसे के बाद मैंने उनको देखा। थैंक यू। मैं बचपन से अब तक, वो कहते हैं ना, एक कहते हैं ना कि फैन, मैं तो बहुत बड़ा एसी हूँ इनका। बचपन से लेकर अब तक इनको देखती आ रही हूँ। वैसी पुरबहार, वैसी खूबसूरत, वैसी आवाज, बस
वो क्या कहते हैं कि अल्फाज नहीं है तारीफ के कि मैं इस वक्त यहाँ पे क्या बोलूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरी हाँ जी, मेरी जो अम्मा थी, मेरी सास, उनके पास इनकी बहुत जबरदस्त कलेक्शन थी। वो भी इनके गाने बहुत शौक से सुना करती थी, इनकी गजलें बहुत शौक से सुनती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कलेक्शन अब भी मेरे पास मौजूद है और मैं अक्सर जब मेरा दिल बहुत उदास होता है तो मैं इनको सुनती हूँ बैठ कर। बहुत शुक्रिया, वाह वाह, वाकई इरम, अब इनकी आवाज़ में वो इतना ना कि एंटी डिप्रेशन, इनकी आवाज़ में ऐसा कुछ कि आपका डिप्रेशन भाग जाता है। एक और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात बंद कर। मुझे कह रही घर में किसी। हेलो जी, हेलो, कौन बात कर रही है? मैं जी शाहकोट से गुलशन बात कर रही हूँ। जी गुलशन जी, ठीक है आप? हाँ जी, तो वो आप मुनी बेगम से बात करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। आप मुनी बेगम है ना? हाँ हाँ, मुनी बेगम। वो मैं श्यालकोट से गुलशन बात कर रही हूँ। मैंने आज वो टीवी लगाया हुआ था तो मैं आज देख के हैरान रह गई हूँ कि आज मेरी इतने दिनों की ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो हाँ, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप से एक गजल जरूर सुना ले, क्योंकि मैं ये गजल सुन के मुझे सुकून बहुत होता है। और आपकी मेहरबानी है, प्लीज आप प्लीज मेहरबानी करके ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आना बनाना मेरा काम था। अच्छा, कोई बिजली कराए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं अभी सुना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अभी अभी एक और कॉल ले लेते क्योंकि वो भी काफी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं उम्मे कुसुम बात कर रही हूँ, भावलपुर से। जी उम्मे कुसुम, बड़ा प्यारा। हाँ, बहुत प्यारा। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मुनी बेगम से बात करनी थी। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनी बेगम की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मैंने उनसे जी उनसे ये कहना था कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और उनकी एक गजल एक बार मुस्करा दूं, मुझे बहुत पसंद है वो आपको जरूर। और उनसे कहने पर और मेरे कहने पर आप मुस्करा दे आए, मुस्कुरा दे, वो कह रही मेरे कहने में मुस्कुरा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और आप ऐसे देखें, जब मुझसे कॉलर बात कर रहे थे ना तो वो और, लेकिन जैसे उनकी बात जब शिफ्ट होती थी मुनी आपा से तो ना हल्की सी उनकी आवाज़ होती थी मुनी आपा। तो ये प्यार आपा जो हमें आपसे है, वो जो कॉलर का बनाया था, तेरी सूरत वो जो कह रही थी। मुझे ये बताएं कि आपकी जो आवाज़ है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह से, अगर मैं 5 साल पहले भी जो आपकी जो परफॉर्मेंसेज लाइव उठा के देख लूँ और उससे पहले की भी, कि क्या करती हैं आवाज़ की, हमें बताएं सर। मैं रोज़ाना पता क्या रियाज करती हूँ, 40-45 मिनट रोज़ाना। सुबह उठती हूँ, चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं रियाज करती हूँ। रियाज रोज़ाना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैं वॉक करती हूँ, जिससे क्या है कि वो जैसे सांस नहीं फूले और रियाज का रियाज वो आवाज़ कायम रहता है, ख़राब नहीं होता है। सुबह के टाइम तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जब आदमी उठता है तो उसका आवाज़ थोड़ा तकलीफ दे रहता है, तो उससे रियाज से वो सब ठीक हो जाता है। सही। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपका जैसे हमें होता है कि जो लोग बड़े किसी मकाम पे पहुंच गए उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ मुकम्मल हो जाती है, उनकी कोई ना कि जैसे आपके दिल में एक होती है कसक होती है कि काश ये हो जाती, कोई ऐसी चीज़ कोई कसक दिल में या कोई रिग्रेट्स आपको ऐसे लाइफ में कि काश ये चीज़ अच्छी हो जाती है? एक मुझे बहुत पुरानी एक गाई हुई है, एक शेर आपको बताती हूँ। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, बस यही लाइफ है। जैसे आपको देख के माशा से अपनी बबली पर्सनालिटी आपकी, लेकिन अभी आपने जो शेर सुनाया है उससे आपके जो अंदर के जो मेलोनेस जो कहते हैं ना कि जो आपकी गहराई है उससे पता चल जाता है। तो इससे कोई ख़ास चीज़ आप जो शेयर करना चाहें कि नहीं ऐसी ऐसे जी हूँ ऐसे जी, कोई नहीं, खुशी अच्छा है, खुशी अच्छा, खुश रहना अच्छा है। गम बताना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं दीजिए, चाहे अपना गम बता के चाहे किसी और के तरफ से। खुश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी ये वुमेंस डे है। उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी पाकिस्तान की जो खातून हैं, जो औरतें हैं, मैं समझती हूँ कि दुनिया में इससे ज़्यादा पावरफुल खवातीन दुनिया के किसी कोने में मैंने नहीं देखा।
मतलब जितना इनका जब्त होता है ना, इसके जब्त की मार भी कोई नहीं है। या बाहर रहते हैं तो बाहर की जो गोरियां हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन पाकिस्तानी औरत की जब्त की कोई लिमिट नहीं। जब्त भी है और फिर पाकिस्तानी औरतों को आज़ादी भी बहुत है। बाहर ममालिक में इतनी आज़ादी नहीं है जितने मैं पाकिस्तान में देखती हूँ कि यहाँ की औरतों का आज़ादी भी है, उनको पूरा मतलब जो एक फ्रीडम जो चाहिए लाइफ में वो पूरा अपने मर्जी से अपने घर पे रहती हैं, अपने मर्जी से घर को चलाती हैं, सब कुछ सारी आज़ादी है। अमेरिका में क्या है कि जैसा आप रहे हैं तो वहाँ जॉब करना बहुत ज़रूरी है, घर का काम करना पड़ता है, वो सब चीज़ें नहीं है वहाँ पे। उसके बावजूद पाकिस्तान की औरत माशाल्लाह, मैं जब देखती हूँ कि एयरफोर्स में भी हैं, कुए पैमा भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं कहती ये होना चाहिए, ये हमारी पाकिस्तान की औरतें। किसी को आपने ट्रेन किया अपने बाद, जैसे आपके घर में किसी को शौक हो, आपके बच्चों में किसी को शौक हो और आपको हो कि मेरे बाद जैसे ये जो है ये मेरी को आगे लेके चलेगा, कि मेरे इस आर्ट को आगे बढ़ाएगा? किसी को भी वैसे शौक नहीं, आवाज़ तो सबकी अच्छी है, मेरी बहनों की भी बहुत अच्छी आवाज़ है, उनके बच्चों की आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चों की आवाज़ अच्छी है, मेरी बहू की आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, तो वो कहती है कि मेरी बहू कहती है कि मैं आपके साथ गाऊंगी एक बार, मुस्कुरा दो। मैंने कहा ठीक है, वो रिमिक्स करेगी मेरे साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। उसको शौक है बहुत। अच्छा हाँ, तो वैसे किसी को गाने में नहीं करता हूँ। बेटे को भी ऐसे नहीं? बेटे को भी नहीं, बेटे का आवाज़ भी बहुत अच्छा है। उसके एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर से आई तो मैंने देखा कंप्यूटर में मेरी बेटी ने गाना लगाया हुआ है कि तड़प तड़प के ऐसा क्या गिला कि आप, ऐसा कोई गाना था जी, तड़प तड़प के दिल से आह निकलती निकलती है, मैंने क्या गुनाह किया जी। तो मैंने कहा कि ये तो वो वाला आवाज़ नहीं है। तो बोले किसका आवाज़, कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा इस आवाज़ में दर्द ज़्यादा है, ये किसका है, कौन गाया ये? हाँ। बोले आपका बेटा गाया है, असद गाया है। कोई तो ना मुझे बहुत सुरीला है बेटा भी मेरा, लेकिन उसको शौक नहीं है, उसको पढ़ाई का शौक है, उसको पढ़ाई का काम का बहुत शौक है। लेकिन अभी बहू का भी प्लान है कि वो आपसे रिमिक्स जो है वो, उसको शौक है, उसको भी बहुत शौक है और बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, बहुत प्यारी आवाज़ है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं घर में जो मुन्नी बेगम है ये कैसी है? ये भी बाकी खवातीन के लिए की तरह काम कर रही होती हैं घर में, या वो मुन्नी बेगम बैठी हुई है? आप बैठे तो हम दिल नहीं करता ना कि ज़रा इनको हिलाएं, इतनी खूबसूरत सी खातून है, फूल लगे हुए नाजुक सी। नहीं, पाकिस्तान में जब आती हूँ तब मेरी बहनों ने मुझे बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं छूने देती है, ना मेरा भांजा, वो साथ साथ रहता है, शान और अरमान, ये जैसे दरवाजे के पास ही रहता है, देखता रहता है इनको कोई चीज़ चाहिए तो नहीं। लेकिन अमेरिका में जब होती हूँ तो फिर क्योंकि मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करता है, फिर मेरी बहू को भी पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, नवासे नवासियों को, तो मैं खुद बनाती हूँ घर पर खाना और शायद बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो बच्चे मेरा जो है, मेरा जो नवासा है, वो हमको थोड़ा, उसका उर्दू ठीक नहीं है, वो बोलता है नाना हम कल आएगा तो मेरे लिए ऑरेंज राइस बनाएगा। ओके अच्छा, तो मैं उसके लिए ऑरेंज राइस बिरयानी बना के रखती हूँ। अच्छा ऑरेंज राइस, वाह जी। और सब यानी कि सारे मुनी बेगम सारे काम भी करते हैं, कि ये बड़ी इंस्पिरेशन है। अच्छा हमारी यहाँ औरतें जो हैं आपा, वो अपनी ज़िंदगी की फेलियर, छोटी छोटी चीज़ें होने से ना ज़िंदगी के फेलियर से घबरा जाती हैं। आपने टीवी मैं क्योंकि मैं आपकी फ़ैन भी हूँ और हम आपको फॉलो भी करते हैं, और जब आप बातें कर रहे थे तो आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। आप पहले भी जब समा पर आई थी तो आपने, अब क्योंकि आप मोहब्बत की शादी थी और फिर आपने बताया कि शादी में कि मसले मसाइल भी आ गए, आपकी अलहदगी भी होगी, वो बड़ा टफ टाइम, क्योंकि एक इंसान ने ज़िंदगी में डिसीजन खुद लिया हो सो वो अगर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि सही नहीं तो बड़ी वो बहुत उससे पेन से गुजरता है। सो वो आपा वो लेकिन आपने इतनी हिम्मत और हौसले से वो आपने उसको सारा फेस किया, और बस ये कुछ अल्लाह के तरफ से था मेरा, अल्लाह ने मेरा बहुत, अल्लाह का साथ रहा मेरे साथ, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे बहनों ने बहुत साथ दिया, और मैं यहाँ से निकल के मैं अमेरिका चली गई। आज मैं अमेरिका में रहती हूँ और बहुत खुश हूँ। मुझे किसी बात का किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। मैं आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं की, मैं कभी किसी से हसद नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती हूँ। कोई गुस्सा भी करता है तो कोशिश करती हूँ कि उसको हंसा दूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त। तो आप कभी ऐसे कभी बातचीत, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो एक, तो कभी ऐसे कभी कांटेक्ट, कभी दोबारा हुआ हो आपका, कांटेक्ट में है आप उनसे? अब तो ज़रूरत नहीं है इन बातों का। अब इस मतलब, इस बात का कोई मतलब भी नहीं है कि जो जहाँ है उसको वहाँ खुश रहना चाहिए। हाँ, अब मुझे कोई गिला भी नहीं है, शिकायत भी नहीं ज़िंदगी से, और ये एग्जैक्टली यही आपा वाली अप्रोच होनी चाहिए। और हमारी खवातीन ज़िंदगी में ज़रा सी कोई ठोकर लग जाए तो अच्छा, उससे ज़्यादा ना बाकी जो साथ बैठे होते हैं ना, जो खाला जो फूफी जो खाला के आगे से नंद होंगी ना, उनको ज़रा टेंशन होगी। हाय हाँ, सो ये इनसे दूर रहें।
उससे पता क्या होता है, हसद ना करें जो आपने एक बात की, उसमें एक चीज यह है कि वो जैसा जिसके ऊपर गुजरता है वो उसको बीमार कर देती है। बिल्कुल है, उसको देखो वो तो उधर घूम रहा था अपनी बीवी को लेके, वो खा रहा था, अरे भगाना क्या है, खा रहा था खाने दे उसको, जा रहा था जाने दे, खाए भी ना, वो खाना भी ना खाए, घूमे भी नहीं, शादी किया तो क्यों नहीं घूमे। तो औरतों को ये चीज समझ जाना चाहिए कि जो उनके लिए बेहतर होता है वही अल्लाह करता है। उस चीज को, उस दर्द को या तकलीफ को या उस प्रॉब्लम को लेकर बैठिए मत, उसको खत्म कीजिए। जो चीज खत्म हो गया खत्म हो गया, खाना खाने के बाद आप खाने के पतीले को लेकर बैठती तो नहीं है ना कि तू खत्म हो गया। हाँ तो खत्म हो गया, तुझे मैंने कितने मान से पकाया, तो खत्म हो गया। तो इसी तरीके से हाँ लाइफ को ऐसे ही गुजारिए, आगे बढ़ जाइए। और खाना खत्म हो तो फिर उसको पतीले को मांजे, साफ करके रख दे, मसला खत्म हो गया। लाइफ भी इंसान का ऐसे ही है। फिर मेरे को आज कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं शिकारपुर से सैम आगा बात कर रही हूँ। आज तो समा ने हमारा दिल खुश कर दिया है। अरे भाई वाह, मुनी बेगम को आपने जो सुबह हमारी रोशन हो गई है, आज हमारा इतना दिल खुश हुआ है कि हम क्या बताएं। बचपन से हम मुनी बेगम के फैन हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और तो पाकिस्तान में बहुत सी गजल गायकी हैं, मगर जब मुनी बेगम की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है और हम ऐसे कहते हैं कि दिल बाग बाग हो गया। अभी हमारी कुछ देर पहले हमारी केबल बंद हो गई थी। अगर एक बार मुस्कुरात और मुनी बेगम ने नहीं सुनाया है तो वो मुझे प्लीज सुना दे। और मैं ये कहूँगी मुनी बेगम को, ये कहूँगी कि एक बार मुझे सामने मिल जाए मुनी बेगम तो मैं उसके हाथों को चूमूंगी। मुझे इतना प्यार है मुनी बेगम से, इतना प्यार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और भी गजल गायकी वाले हैं, सुनते हैं, जब हम मुनी बेगम की आवाज़ सुनते हैं ना तो हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। और हम ये कहते हैं कि बस दुनिया ही यही है। खुश रहिए, बहुत थैंक यू सो मच। एक और कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मैं लाहौर से रुकैया बात कर रही हूँ। अच्छा रुकैया जी, इनसे बात करनी है मुन्नी बेगम साहिबा से। जी ठीक है, कर ले जी। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। अब मेरे से बात भी नहीं सही तरह की जा रही। एक्चुअली मेरे मामू थे, वो 94 में उनकी डेथ हो गई। तो वो उनको सूफी साहब कहते थे, गुजरात में थे। अच्छा। तो वो आपका इतना एहतराम, यानी पांच वक्त के नमाजी थे तो हज्जत गुजार थे, और आपका इतना एहतराम करते थे। और जब आपकी गजलें या कुछ भी होता था कि किसी को बोलने नहीं देते थे, और जब कभी किसी के घर जाना ना तो उनके चाय पानी का नहीं होता था, उनको होता था ये सूफी साहब आ गए इनको खुश करना, तो मुन्नी बेगम की कुछ लगा दो। और इतना आज मुझे आपको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे, क्योंकि वो आपको अपनी बहनों की तरह प्यार करते थे, ऐसे लग रहा है जैसे मेरे मामू आप सामने बैठे, ऐसे मुझे फील हो। रोइए नहीं, आंसू इंसान को कमजोर कर देता है, आपको पता है। इस आंसू को बचा के रखिए, जब खाना खाबा जाइएगा वहाँ उसको बहाइएगा, इसके सिले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपने आंसुओं को बहुत कीमती समझ के उसको संभाल के रखा। जब मैं मुकद्दस मकामात पे जाती हूँ तो फिर मेरे आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं, मैं रोकती भी नहीं उसको। बहुत ही, और वाकई जब जाएँ और तो मुन्नी आपक और हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि फाइनली अब थोड़ी देर बाद मुन्नी आपा हमें सुनाएंगी एक बार मुस्कुरा दो। और मुस्कुराते रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इससे तो ऐसा लग रहा था कि हर सांस जो है वो एक वो रक्स कर रहा है, क्योंकि एक एक जहाँ पर आप नई लय ले ली थी, आप जहाँ पर नया टर्न ले ली थी, मज़ा आ गया। और लग रहा था कि साथ साथ आपकी आवाज़ भी एक जगह सुर रक्स कर रहे हो, साथ में ये रक्स कर रहे हो, ओहो हो हो, तो बहुत ही मज़ा आ गया। मुझे ये बताएं, आपको आजकल की यंग जनरेशन में, आप सुनती होंगे गाने पाकिस्तान के, आपको सबसे अच्छा कौन सा सिंगर लगता है? आपका सब अच्छे लगते हैं जैसे अली ज़फ़र, फ़ाकिर, उसके बाद आतिफ असलम, सब ये सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, शफ़क़त अमानत,
अच्छा, अब आपको लगता है कि हमें भी गजल में और बहुत ज़्यादा अभी हमें बहुत हमें मुन्नी बेगम चाहिए, हमें मेहंदी से चाहिए, हमें गज़ल गायक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि गज़ल का वो ट्रेंड ही नहीं रहा, अब तो मेरा शोर रह गया, वह शोर ज़्यादा होता है गानों में। हाँ, बस चाहिए इनको कि बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जिनको गज़ल की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि गज़ल आपको बहुत देर तक ज़िंदा रखता है आपके फ़न को। और ये जो गाते हैं ये पॉप म्यूजिक, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं। हाँ, और गजल ये देखे ना, ये बाकी गजल की जिंदगी देखें, ये जो एक बार मुस्कुराता भी मैंने सुनाया आपको, जी जी, इसका एज है 45 इयर्स। 45 इयर्स, ओहो क्या बात है। आज भी ये गजल जवान भी है, बच्चा भी है। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, 45 सालों से। कॉलर हमारे साथ भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सना क्वेटा से बोल रही हूँ। खिजा रसीदा मौसम और खिजा रसीदा दिलों में बहार फैलाने वाली मुन्नी बेगम की खिदमत में आदाब। अरे वाह वाह, क्या प्यारा तरीका जी। जी मैंने ये आपा जी से ये बात करनी है, सदाबहार आपा जी से, इतनी अच्छी अच्छी रसलों के कैसे अभी तक हिट हैं, इनकी कोई नई कैसेट है या नई कैसेट कब तक मार्केट में आएगी? इन्होंने तो वाकई में दिलों में ना बाहर फैलाने वाली होती है। इंशाल्लाह जल्दी आएगी जी, प्रॉमिस करके जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉमिस है इंशाल्लाह। हम लोग अभी उस पर काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो भाई जल्दी इनकी कैसेट आएगी, और जैसे कैसेट आएगी हमारे शो पे भी दोबारा आएंगे ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? फौजिया अरशद बात कर रही हूँ। जी फौजिया जी, क्या कहना चाहेंगी? बस हमने मुन्नी बेगम को देखना था, हमने देखा, हमें बहुत अच्छी लगी, और बहुत टाइम के बाद देखा, इतना दिल खुश हुआ उन्हें देख कर के, बस हम बता नहीं सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं यास्मीन शौकत बोल रही हूँ। जी यास्मीन जी, बात से मैं मुन्नी बेगम की बहुत फैन हूँ, और मेरे खालू मेरे ससुर बहुत बड़े फैन थे और बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, शिपर थे वो, इंजीनियर थे, और बहुत ही पसंद करते थे इनको, और बहुत शौक से सुनते थे और तेज कर देते थे आवाज को। अरे वाह, अल्लाह इनको सेहत जिंदगी दे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, इलाही आमीन। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम अपने ऑडियंस से बात करें, वो काफी देर से वो बात करना चाह रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वाले वाले जी, सबसे पहले तो मदियाई की तारीफ की जाए, जो कि वाकई बात है, सब लोगों ने कर करके पुरानी कर दी। सही, मदियाँ वाकई आप बहुत प्यारी हैं, माशाल्लाह। और आप अपनी असल लाइफ में प्यारी हैं, असल लाइफ में, कैमरे के सामने तो सब प्यारे होते हैं। बहुत थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और अब मैं बात करूंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और आप भी बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट हैं, वाकई आप मुन्नी हैं। अच्छा, आपको जुम्मा मुबारक। मैं जुम्मे के हिसाब में यहाँ आई हूँ, आपको एक और मुबारक जो मेरे दिल में थी कि जब भी मैं, क्योंकि आप हज पर जा रही थी तब भी मैं आपसे मिली, आप हज के बाद मुझे तमन्ना थी कि मैं आपको खुद ऑनलाइन मुबारकबाद दूँ। थैंक यू, बहुत आपने हज किया, बहुत मेहरबानी। और उसी वक्त आपने मुझसे बहुत सारी बातें की थी, और ये इस वक्त भी अगर हम तस्वीर के लिए आपके पास जाते हैं तो बहुत सारे जो हैं आ जाते हैं कि भाई अभी नहीं अभी नहीं। इन्होंने मेरे बच्चों को खड़ा करके, यानी भाई मैंने इनको एक पूरी रात दी थी और हमें ये एक लम्हा नहीं देंगी। सबको हटाया, लाइट खोलो, तस्वीर उतारें, मेरे बच्चों की, मेरे नवासी नवासों की, सबकी तस्वीर उतरवाई। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसी वक्त इन्होंने बहुत ज़बरदस्त नसीहत की थी कि मेरे हाथों अल्लाह ने पता नहीं क्या लिख दिया कि रिश्ते जाती हैं और हो जाते हैं, लड़कियों के लड़कों के रिश्तों के लिए जाती हैं और अल्लाह की तरफ से वो हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का ही एजाज़ है ना। सही, तो इसलिए मैं ये बात खास तौर पर लोगों को पैगाम दूंगी कि वाकई बात बिल्कुल सही है आपकी, ये आप ही ने नसीहत की थी कि शादी उससे करो जो आपसे मोहब्बत करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है, वरना दुनिया क्या करती है, बेचारी लड़कियां बैठी रह जाती हैं। चलें ठीक है, बहुत ज्यादा तालियां हो जाएंगी, बहुत ज्यादा तालियां हो जाएंगी। अच्छा, ये वैसे आजकल की नौजवान नस्ल को थोड़ी सी हाइपर है, कोई आप क्या नसीहत करना चाहेंगे इनको? वैसे कहते हैं ना कि कॉल है कि जन्नत में वो जाएगा जो अपने गुस्से को पिएगा। तो गुस्से पे कोशिश कीजिए काबू करने का, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है गुस्सा, हाइपर हो जाना। उससे आप दुनिया की सारी खराबियां अपने अंदर ले आते हैं। कोशिश कीजिए कि उससे दरगुजर कीजिए,
मैं गुस्सा करती हूँ लेकिन मेरा गुस्सा जैसे पानी का बुलबुला होता है ऐसे होता है, फौरन ख़त्म हो जाता है। अगर मैं कभी अपने भांजे भांजियों को डांट भी देती हूँ तो आधा घंटे के बाद उसको ले जाके फिर मैं बर्गर वगैरह के खिला के सेट कर देती हूँ कि उसको बुरा नहीं लगे मेरे बच्चों लोग को। तो गुस्सा नहीं किया करें, गुस्सा सबसे ख़राब चीज़ है। और खाने पे एहतियात करें, जो खाना आप खाती हैं बहुत खाने को फ़ख्र नहीं महसूस कीजिएगा बहुत खाने में, बल्कि फ़िक्र महसूस कीजिएगा कि बेहतर क्यों खा रही हूँ। तो उससे यह है कि आप अपने आप को मेनटेन करके रखेंगी, आपको चलने फिरने में दुश्वारी नहीं होगी, आपको आने जाने में कुछ नहीं होगा। आने वाला वक्त जो कहता ना बुढ़ापा, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा अगर आप खाने पीने पे एहतियात करेंगे और थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आपा कि आप बहुत शुक्र आए। और आपको कैसा लग रहा है जी, पहले ये तो बताएं कि आप सबसे ज्यादा अच्छी आप लग रही हैं, आपके ऑडियंस से लग रहे हैं, कैमरामैन म्यूजिक सारे सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू।